साउल बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी और हार्ट अटैक से बचने का सबसे बेहतर ट्रीटमेंट है। और आज इंडिया भर में हम लोग करीब 90 सेंटर्स चला रहे हैं, और ये सेंटर्स में हार्ट के पेशेंट्स को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं किस तरह से रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए जिससे हार्ट की बीमारी ना हो। ये प्रिवेंशन की बात है। पर अगर कोई हार्ट का पेशेंट हमारे पास आता है जिनकी ब्लॉकेजेस हैं, जिनके 70-80 से ऊपर ब्लॉक हो गई है, तो उनको हम लोग चार तरह के ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं। पहला काम है लाइफस्टाइल, खाना पीना, रहन सहन, कितना वॉक करना, योगा करना। ये एक पूरा हमने स्कीम बना दिया जिसको हम लोग बोलते हैं सावल सेफ्टी सर्कल। उनको इस तरह से लाइफस्टाइल बदलते हैं कि वो सेफ्टी सर्कल के ग्रीन जोन में आ जाए। तो ये मेरा पहला ट्रीटमेंट है। नंबर टू ट्रीटमेंट होती है दवाइयाँ। एलोपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। कुछ दवाई से हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ में शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करते हैं और ब्लड को पतला कर सकते हैं, हार्ट की स्पीड को कम कर सकते हैं। तो ये जो एलोपैथी की सारी दवाइयाँ हैं, एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल एलोपैथिक डॉक्टर, हमको लगता है ये दवाइयाँ हमें यूज़ करना चाहिए। तो सावल का दूसरा ट्रीटमेंट है एलोपैथिक दवाई दे के पेशेंट को सेफ्टी में ले आना। मान लेते हैं आप खाना पीना तो आप बदल दोगे, पर कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हुआ तो दवाई से कर लो, बीपी कंट्रोल नहीं हुआ तो दवाई से कर लो, शुगर कंट्रोल नहीं है तो दवाई से कर लो। तो ये दो पार्ट तो ये लंबा चलता है। हार्ट के पेशेंट को बोलते हैं ट्रीटमेंट वन एंड ट्रीटमेंट टू, लाइफस्टाइल एंड मेडिसिन, ये जिंदगी भर या आगे लंबा चलेगा। दो और ट्रीटमेंट करते हैं, एक का नाम है नेचुरल बाईपास। नेचुरल बाईपास में एक मशीन के जरिए हार्ट में हजारों नई ट्यूब खोली जाती है। दीज आर डुप्लीकेट ट्यूब्स। हार्ट में एक स्टेपनी, एक एक्स्ट्रा ट्यूब गॉड ने दिया हुआ, उसको हम लोग प्रेशर से खोलते हैं। करीब करीब 35 दिन में ये काम होती है। अब जो चौथा ट्रीटमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं साउल डिटॉक्स थेरेपी। ये है क्या चीज? डिटॉक्स मतलब हमारे बॉडी में जो इम्प्योरिटीज बन जाती है उनको हटाना, और इम्प्योरिटीज में हम लोग ब्लॉकेज को भी मानते हैं। तो कुछ ऐसी केमिकल्स, ऐसे एलोपैथी की केमिकल, कुछ आयुर्वेदा, कुछ होम्योपैथी, कुछ यूनानी, ये सारे प्रोडक्ट्स को निकाल के हम लोग एक डिटॉक्स थेरेपी क्रिएट किए हैं। एंड दिस इज़ अ वंडरफुल वे ऑफ रिमूविंग और रिड्यूसिंग द ब्लॉकेज। मैंने ये देखा लोगों के 50-50% ब्लॉकेज कम हो जाती है, 20%, 10%, 30%, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर एक आदमी अगर 10% भी इससे ब्लॉकेज कम कर ले तो वो 5 साल पीछे हो गया। तो इसमें करते हैं क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एक केमिकल डाली जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं दवाई है, ऑफ कोर्स ये डिटॉक्सिफिकेशन एलोपैथिक दवाई है, इसका नाम है EDTA। ये गवर्नमेंट अप्रूव दवाई है और इसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं अगर प्रॉपर डोज में यूज़ किया जाए। इसको हम लोग ड्रिप से देते हैं, करीब 2.5 घंटा एक एक ड्रिप की लगती है, और ऐसा करीब 20 से 30 ड्रिप दिया जा सकता है। इसके साथ उनको हम लोग बोलते हैं आपको डिटॉक्सिफिकेशन के जरिए कुछ होम्योपैथी के प्रोडक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट ड्रॉप, कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है इसका नाम है कार्डियो क्योर, कुछ एलोपैथी के प्रोडक्ट है कार्डियो प्रोटेक्ट, और कुछ विटामिन्स एंटीऑक्सीडेंट्स है जिसका नाम है एंटॉक्स प्लस। इस तरह के चार पांच चीज़ों को जोड़ के हम लोग एक साउल टी भी बनाते हैं जिसमें अर्जुना और बहुत सारे प्रोडक्ट है जो हार्ट के लिए बहुत फ़ायदा करता है, हमारे डिटॉक्सिफिकेशन करता है। एक ऐसी दवाई है जिससे हमारी कब्ज दूर होती है और हमारे इंटेस्टिन को क्लीन किया जा सकता है। तो कुछ लीवर को क्लीन करते हैं, कुछ स्प्लीन को क्लीन करते हैं, कुछ लंग्स को क्लीन करते हैं। तो ये डिटॉक्स थेरेपी हमारे पूरे बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन को केयर लेती है, और इससे हमारे ये देखे गए हैं ब्लॉकेज कम हो जाती है। और हमारे पास ऐसे 10,000 मरीज होंगे जिनके ब्लॉकेज कम हुए हैं। हम लोग बहुत सारे लोगों की पोस्ट करते रहते हैं यूट्यूब में, आप देखेंगे हमारे वेबसाइट में जाइए, हंड्रेड्स ऑफ लोगों की हमने इंटरव्यू डाल के रखी है। तो आज हमारे पास लाखों मरीज हैं जिनको हम लोग ये ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं, एंड दे आर डूइंग वंडरफुली वेल, दे आर सेटिस्फाइड। सबसे बढ़िया इन ट्रीटमेंट की अच्छी चीज़ है कि इसमें बॉडी को छेड़खानी नहीं होती है। दवाई लिया, वो बॉडी से निकल गई, अपना काम कर गई, ब्लॉकेज कम हो गई, तो हमारा मेजर काम हो जाएगा। तो ये साउल डिटॉक्स थेरेपी आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रही है, और मैंने देखा लोग आके बोलते हैं सर वो एक बार लगवा देते हैं, थोड़ा भी ब्लॉकेज कम हो जाए और 10-15 भी कम हो जाए तो वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया। तो आप ये साउल को फॉलो करिए, लाइफस्टाइल को फॉलो करिए, दवाइयाँ खाइए। ये लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में 40 दिन का एक थेरेपी होता है जिसमें जिसको हम बोलते हैं ECP एंड डिटॉक्स, ये दोनों भी करवाइए। और ये सब मिला के साउल इज़ अ कंप्लीट एलोपैथिक ट्रीटमेंट, और इसकी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छी आ रही है और चारों तरफ ये बात फैल रही है। हमारे सेंटर के बाद सेंटर बढ़ रही हैं और पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रही है इस सिस्टम का।
मैं फील कर पाता हूँ। और आज हमारे सारे लोग जानते हैं कि धीरे धीरे बात फैलता जा रहा है, मेडिकल साइंस को मानना पड़ रहा है कि ऐसी थेरेपी इज़ अ बेटर वे ऑफ ट्रीटिंग हार्ट डिजीज़।